अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। एक अदद प्याज लिया है, एक अदद टमाटर मैंने लिया, लेकिन बड़े साइज़ के लिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप जो है वो पानी, और चूल्हा ऑन कर दिया। इसके अंदर हल्दी डालूँगी। पहले मैं मसाले बताऊँ, फिर एक आधी बात भी करनी थी वो करती हूँ। नमक 1 टीस्पून, आधा किलो चिकन है, और टेबल स्पून जो है वो सुर्ख मिर्च। बात वो ये करनी थी कि इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, ठीक है जी। पिसा हुआ गरम मसाला कुछ लोग डालते हैं, लेकिन वो कुछ लोग मेरे ख्याल में जिनको मसालों की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी होती है, तो वो कहते हैं कि टेस्ट आना चाहिए, वो डालते हैं। तो वरना इसके अंदर गरम मसाला नहीं जाता, बाकी इसमें साबुत मसाले भी नहीं जाते, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं जाती। एंड पे जाके गार्निश के लिए और वो टेस्ट के लिए होता है अदरक और सब्ज़ मिर्च। अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, लहसुन और अदरक का मिक्स पेस्ट था, 1 टीस्पून डाल के, अब इसको मैंने ऊपर से ढाँप दिया था। अब मैंने चम्मच चला के फिर इसको ढाँप देना। 15 मिनट के बाद जो है ना, मैं इसको खोलूँगी। प्याज गल चुका होगा, और ये देसी चिकन है, वैसे ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, दूसरे चिकन के नस्बत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर दूसरा चिकन होता तो वो मैं जल्दी इसको देख लेती, लेकिन अब इसको 15 मिनट के बाद ही मैं जो है ना खोलूँगी। इसको ऐसे ही ढक दिया और ये पकता रहेगा। ये मैंने ऑयल डाल के इसको भूनना शुरू कर देना। अब ऑयल डाल दिया, और ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है। ब्लैक पेपर मैंने शुरू में नहीं डाली, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं होती होती ना। रेड चिली को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत होती है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मतलब भूनते वक्त भी डाल दें तो ठीक है, उसका साथ पकना ज़रूरी था। अब ये जैसे ही जो है ना, ये पानी बिल्कुल खुश्क होना है ना, तो मैंने साथ ही दही डाल देना। फिर दही को डाल के भूनना शुरू कर दूँगी। ये मैंने दही इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भूनती रहूंगी जब तक दही की रंगत चेंज नहीं हो जाएगी और भुना नहीं जाएगा, मसाले जैसा कलर यानी कि दही का हो जाए ना, मसाले के साथ मिल जाए। फिर मैं बाकी चीज़ें ऐड करूंगी। बाकी दो ही चीज़ें, सब्ज़ मिर्च और अदरक। ये मैंने इसके अंदर अब ना कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। एक मिनट के बाद ही मैंने चूल्हा बंद कर देना, इसका ज़्यादा पकाना नहीं। ये लें जी, मैंने प्लेट में निकाल ली है। आप भी बनाएं और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। दुआ में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम।